व्हाट्स एप एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो गाइज हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं पार्टनरशिप हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं शेयर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई किताब जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे बीस नंबर की आपकी ये बोर्ड्स में आती है और बीस नंबर का प्रैक्टिकल भी यहीं से होता है तो लगभग चालीस नंबर की किताब है आउट ऑफ हंड्रेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से करनी है और ईजी बहुत है वेरी ईजी मतलब मैं समझता हूँ ईजीएस्ट ऑफ ऑल है अगर आप ध्यान से करो एंड आई कैन एश्योर यू कि अगले पंद्रह दिन हम लोग इसको पढ़ेंगे लगभग पंद्रह दिन हम इस किताब को करेंगे एंड आई गारंटी यू कि अगले पंद्रह दिन में मैं आपको इसमें परफेक्शन दिलवा दूंगा तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना मेरे साथ साथ समझना चीज़ें आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी चलिए लेट्स बिगैन शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यह हमारी किताब का नाम है यह हमारी बुक का नाम है बच्चों ठीक है अब देखो यह बुक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सिखाती है कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है अब सर एनालिसिस तो तब करेंगे ना जब हमें यह पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी हमें तो यही नहीं पता तो बच्चों देखो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारा चैप्टर नंबर वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी की बात करूंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो चीजें होंगी जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएंगी जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगी जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी तो ध्यान रखो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती हैं अब ये सारी स्टेटमेंट सर जैसे पार्टनरशिप फर्म की बनाई हमने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सोल प्रोवाइटर के हमने बनाए क्या वैसे ही होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं बेटा जिस तरीके से एक सोल प्रोपाइटर की बुक्स बनती हैं जिस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म की बुक बनती है उसी तरीके से कंपनी की भी बुक्स बनती हैं बट फॉर्मेट इसका थोड़ा सा चेंज है तो सर पहले तो ये बता दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा क्या क्या देखो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है सबसे पहले समझो बच्चों एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट आती है ठीक है फिर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी एंड एल अकाउंट आता है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं यहां पे क्या बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है उसके बाद हमारे पास तीन नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी सर ये क्या है देखो अगर इक्विटी में चेंजेस होते हैं कैपिटल में चेंजेस होते हैं तो वो स्पेसिफिकली इस स्टेटमेंट में दिखाई जाती है ऑल दो ये स्टेटमेंट आपको बनानी नहीं है ना आपके सिलेबस में है, बस नाम पता होना चाहिए चौथी चीज जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और पांचवी चीज जो होती है वो होती है सपोर्टिंग या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स सर नोट्स का क्या मतलब है नोट्स का मतलब होता है बेटा कि ये जो बैलेंस शीट आप बनाते हो ना अब बैलेंस शीट में सपोज ऐसे लिख दिया गया कि नॉन करंट एसेट्स तो नॉन करंट एसेट्स के अंडर भी तो बहुत सारे एसेट्स आते होंगे ना तो उसको नोट्स में दिखाते हैं जैसे मैंने आपको वो बैलेंस शीट कंपनी में सिखाया था बनाना उसमें नोट बनता था ना नीचे शेयर कैपिटल का डिबेंचर्स का लॉन्ग टर्म लोन्स का वैसी चीजें ऐसे ही जब आप पी एंड एल बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाओगे तो उसमें भी अंदर बहुत सारी आइटम्स आती होंगी तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कैश का हिसाब रखने वाला स्टेटमेंट इसका तो पूरा चैप्टर है हम डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो पांच चीजें बच्चों हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनीज़ में आती है और इन सबके फॉर्मेट्स कहां पे गिवन है इन सबके फॉर्मेट्स आपको गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 तो हम जितने भी इनके फॉर्मेट्स बनाएंगे वो हम बनाने वाले हैं एज पर कंपनीज एक्ट दो तो सर फॉर्मेट दिए कहां कहा हुए हैं थोड़ा सा ये भी बता दो देखो बच्चों जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो दिया है पार्ट वन ऑफ शेड्यूल थ्री में और जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है ये दिया है पार्ट टू ऑफ शेड्यूल थ्री में तो आपको बड़े ध्यान से इन दोनों के फॉर्मेट समझने हैं जहां आपने फॉर्मेट समझे तो आपको फॉर्मेट से बस क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि यह चीज कहां आती है पी एंडल के फॉर्मेट में ये चीज कहां आती है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इस तरीके का सवाल इस चैप्टर से आता है बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है ठीक है तो आज हम शुरुआत करते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिखा देता हूं एक बार आपने ये सीख लिया तो समझो काम हो गया सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? देखो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेट बनता है ऐसा ठीक है क्लियर है यहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे हम लिखते हैं नोट नंबर यहां पे हम लिखते हैं करंट ईयर का अमाउंट यहां पे हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट बच्चों जो पी एंड एल या बैलेंस शीट बनेगा ना कंपनीज का कंपनीज कंपेरेबिलिटी मेंटेन करके चलती हैं कि आप कंपेयर कर पाओ तो दो साल का यूजुअली बनाया जाता है इस साल का भी पिछले साल का भी साथ में ताकि कंपेयर हो पाए सही है अब देखो जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करता हूं मैं आपको जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आप प्रॉफिट या लॉस निकालने को क्या चीज़ कंपेयर करते हो देखो आप जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करोगे कि भैया प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है तो उसके लिए आप दो चीज़ें कंपेयर करते हो कि मेरे रेवेन्यू कितने हैं मेरे एक्सपेंस कितने हैं ये तो हमने क्लास छोटी सी इलेवेंथ में पढ़ लिया था रेवेन्यू कितने हैं एक्सपेंस कितने हैं तो क्लास इलेवेंथ में आप ये पढ़ के आए थे कि जब भी हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है जब भी हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यही बोलता है कि भैया दो चीजें कंपेयर कर लो एक तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू कितना है आपका दूसरा आपको पता होना चाहिए टोटल टोटल एक्सपेंस कितना है है इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा यही हमें पी एंड एल में लिखना रेवेन्यू ढूंढो टोटल एक्सपेंस ढूंढो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो प्रॉफिट आ गया सही है तो अब देखो इसके फॉर्मेट में चीजें कैसे दी गई हैं सबसे पहले एक नंबर पे बेटा आपको दिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आपको दिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा आप जिस चीज में बिजनेस करते हो आप जिस चीज में डीलिंग करते हो उससे होने वाला रेवेन्यू देखो आपको इनकम्स कई तरीके की होती है जैसे रेंटल इनकम हो गई इंटरेस्ट इनकम हो गई डिविडेंड इनकम हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया कोई कमीशन रिसीव्ड हो गया तो आपको कई तरीके की रॉयल्टी हो गया कई तरीके की इनकम्स होती हैं।

ठीक है अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेटा क्या क्या आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन व्हाट इज सेल ऑफ स्क्रैप स्क्रैप होता है कबाड़ा कूड़ा देखो अगर मैं एक गारमेंट बिजनेस करता हूं तो मैं कपड़ा खरीदता हूं तो वो कहीं ना कहीं बॉक्सेस में पैक होकर आता है वो बॉक्सेस भी मेरे बिक जाते हैं लास्ट में या थोड़ी बहुत कतरे वतरे बच जाती हैं छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं मैं मीटर्स में कपड़ा बेचता हूँ तो एक लॉट में आधा मीटर बच गया किसी लॉट में आधे मीटर से थोड़ा सा कम बच गया किसी लॉट में कुछ सेंटीमीटर बच गया तो वो सब कतरे भी बिक जाती हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप है तो वो भी मेरे मेन बिजनेस ऑपरेशन है ना तो याद रखना सेल ऑफ स्क्रैप भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होता है तो सबसे पहले क्या आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा अरे यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा पहला आ गया दूसरा मैं इसमें क्या ऐड करता हूं इसमें आप ऐड करते हो अदर इनकम सर अदर इनकम क्या होता अभी है अभी अदर इनकम हो गया बच्चों जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट इनकम हो गया डिविडेंड इनकम हो गया कमीशन रिसीव्ड हो गया कोई इस तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो गया कोई भी इस तरीके की इनकम जो आपको बिजनेस से नहीं आ रही जनरली कहीं और से आ रही है उसको हम सबको अदर इनकम में डाल देते हैं इन सब का टोटल कर दूं, इनका टोटल कर दूं मैं इसमें ये जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है बच्चों टोटल रेवेन्यू जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको जोड़ू तो मेरे पास आता है टोटल रेवेन्यू देखो मैंने आपको क्या बोला था यहां पे मुझे चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस है ना तो टोटल रेवेन्यू तक तो मैं पहुंच गया यहां तक मैं पहुंच गया अब मैं आपको एक बार किताब में दिखा दू कैसे प्रिंट हुआ हुआ है क्या लिखा हुआ है किताब में में ताकि आपको एग्जैक्टली exactly समझ में भी आ जाए देखो यहां पे क्या लिखा है हमारी बुक्स में अगर आप इसको देख पा रहे हो आई होप विजिबल होगा इसकी मैं एक बार ब्राइटनेस चेक कर देता हूँ ब्राइटनेस तो बिल्कुल कम है तो आप इसे देख पाए एग्जैक्टली exactly किताब से लिया है मैंने ये तो थोड़ा सा ब्राइट रहेगा

अदर इनकम में आ जाता है जो भी कंपनी पैसा कमाती है फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर सोर्सेज से जैसे मैंने आपको बता ही दिया कैश डिस्काउंट रिसीव्ड गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट बैड डेट्स रिकवर्ड इंटरेस्ट अर्ड ऑन एफ इस तरीके की इनकम सारी की सारी आपकी अदर इनकम में आ जाती है तो जब भी हम फॉर्मेट में जाते हैं तो फॉर्मेट में हमने क्या लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एड कर अदर एक्सपेंसिस अदर इनकम सॉरी आपके पास बन गया टोटल रेवेन्यू अब नंबर चार पे हम क्या लिखना शुरू करते हैं नंबर चार पे बच्चों हम लिखना शुरू करते हैं एक्सपेंसेस अब मैं खर्चे लिखूंगा ठीक है अब मैं क्या लिखूंगा अपने खर्चे लिखूंगा तो खर्चों में बच्चों मेरे पास सबसे पहला खर्चा जो आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड आपको ये लर्न करना है बेटा सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सर क्या है मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जरा जल्दी से बता दो क्या होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखो क्या लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज द फर्स्ट एंट्री और लाइन आइटम इन द एक्सपेंस एक्सपेंस में सबसे पहले यही होता है द टर्म मेटीरियल मीन रॉ मेटीरियल एंड अदर मेटीरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी खर्चा आ रहा है रॉ मटेरियल पे या अदर मटेरियल पे ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चा आ रहा है रॉ मटेरियल पे उसका कॉस्ट उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल तो इसमें आपका जो मेजर चीज होती है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम ध्यान रखना क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो ये तरीका होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का ये आपसे पूछ भी सकता है किसी एग्जांपल में कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल के दिखाओ तो कैसे निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सर इसका क्वेश्चन दिखा दो हाथों हाथ आ जाओ देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मेटीरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटीरियल मेटीरियल परचेज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेटीरियल सीधा फॉर्मूला लगाओ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा ब्लर्ड है ये वाला पेज तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम निकल जाएगा ठीक है ध्यान रखना सिर्फ मेटीरियल लेना है ओनली मेटीरियल कई बार एग्जाम में आपको ऐसे फिनिश गुड्स भी देगा तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम निकालना है यहाँ पे ठीक है सर दूसरा खर्चा कौन सा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दूसरा खर्चा कौन सा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मैं लिख देता हूं नंबर टू दूसरा खर्चा ऑफ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर ये क्या है सामान तो खरीदा है फॉर बना रीसेल जो आपने बना बनाया सामान खरीदा है ना रीसेल के लिए उसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप सामान बनाओगे आप खरीद के भी तो बेचते हो है ना अब सपोज मेरी बेकरी है मैं बिस्किट्स बनाता हूं तो बिस्किट बनाने के लिए जो मेटीरियल लगा वो तो इसमें आ गया लेकिन कुछ बिस्किट मैं बने बनाए भी तो बेचता हूँ पार्ले जी बेचता हूँ गुड्डे बेचता हूँ ओरियो बेचता हूँ ये बिस्किट्स बेचता हूँ बने बनाए तो वो खरीद के भी तो लाता हूँ उसको क्या बोलूंगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बेसिक ठीक है तो ये हो गया हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो मैं बना बनाया सामान लेके आता हूँ ंग इफ कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स डू नॉट रिमेन स्टॉक इन ट्रेड बट बिकेम दार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड ठीक हो गया सही है सर ये तो समझ में आ गया आगे क्या लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड चेंज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है बेटा अब हमारे पास जो बचा हुआ माल है किसका फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड ध्यान रखना चेंज इन in इन्वेंट्री किस चीज का फिनिश्ड गुड्स का वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसको ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक किस किस का फिनिश गुड्स का वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक इन ट्रेड का सर मेटीरियल क्यों नहीं आया इसमें क्योंकि इन्वेंट्री में तो मेटीरियल भी होता है बेटा मेटीरियल इसने नहीं आया क्योंकि मेटीरियल का आप ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हो देखो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ पे मेटीरियल कंज्यूम्ड का ऑलरेडी कर चुके हैं हम काम फिर स्टॉक इन ट्रेड जितना खरीदा फिर जो बचा हुआ माल है फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड तीनों यहाँ पे ले लेंगे तो तीन मेन खर्चे आपने यहाँ पे लिख लिए कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड आ गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ गया चेंज इन इन्वेंट्री आ गया ओके okay. इसके बाद और कौन सा खर्चा आता है आपके पास चौथा खर्चा कौन सा होता है फोर्थ आता है बच्चों इंप्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है बच्चों इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है इंप्लॉय को बेनिफिट देने के लिए जितने भी खर्चे सैलरी वेजेस जितने भी आप एम्प्लॉज को खर्चे देते हो बेनिफिट के लिए उनके वेजेस सैलरीज बोनस लीव एंड कैशमेंट स्टाफ वेलफेयर कोई भी खर्चा इंप्लॉई के बेनिफिट के लिए आप करोगे तो उसको हम इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोलते हैं चौथा कौन सा आया एम्प्लॉ बेनिफिट एक्सपेंसेस इंप्लॉयी के बेनिफिट के लिए है ना

सर फाइनेंस कॉस्ट में आता क्या है ध्यान रखना इसके अंदर हमारी बोरोइंग कॉस्ट आती है एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस आते हैं जितना भी आपने बोरो करा है लोन वोन लिया है उसकी प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं उस उसपे खर्चे आते हैं तो वो सब फाइनेंस कॉस्ट में आता है और उस उसपे जो आपको इंटरेस्ट देना है वो भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट में ही आ जाता है सही है तो फाइनेंस कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे आ गए हमारे बोरोइंग इंटरेस्ट इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे बहुत सारे बैंक चार्जेस यहां पे लिखाते हैं बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है बेटा प्लीज अपने पास लिख लेना ये नोट कर लेना बैंक चार्जेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट कोई बार एग्जाम में आता है शायद इस साल भी आ जाए ध्यान रखना बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है इसमें सिर्फ बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट आता है ओके आ जाओ एक बार किताब से पढ़ा दू फाइनेंस कॉस्ट मीस कॉस्ट इनकर्ड द कंपनी ऑन बोरिंग्स दैट इज लोन टेकन बाय इट देयर फॉर इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स एंड अदर्स जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह पे इंटरेस्ट देना है दूसरा फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंसिस इनकर्ड ऑन बोरिंग जैसे लोन प्रोसेसिंग फी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पेबल ऑन रिडमशन ऑफ डिवेंचर इस तरीके के खर्चे सारे फाइनेंस कॉस्ट में आ जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या आता है हमारे पास डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन डेप्रीशन एमोरटाइजेशन आप सब जानते हो किसी भी फिक्स एसेट को जब आप यूज करते हो तो वो डेप्रीशिएट होता है है ना तो उस खर्चे को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन एंड एमोरटाइजेशन एमोरटाइजेशन किसको बोलते हैं सर इनटेंजिबल एसेट अगर वैल्यू कम होता है जैसे गुडविल वगैरह हो गया इनका वैल्यू कम होता है तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं तो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम स्टॉक इन ट्रेड चेंज इन इन्वेंट्री एंड अमोर्टाइजेशन बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई डेप लग रहा है यहां पे लिखते हैं गुडविल राइट ऑफ हो गया एमोटाइज होता है यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद बच्चों जितने भी खर्चे बच गए सब अदर एक्सपेंस में डाल देना जितने भी खर्चे बच गए सब अदर एक्सपेंस में डाल देना सर अभी भी खर्चे बचे बिल्कुल बचे डेट्स कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड फ्रेट एडवर्टीजमेंट लीगल चार्जेस ऑडिट फीस बहुत सारे खर्चे पी एंड एल में आते थे Selling expenses, कितने सारे 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 खर्चे खर्चे आते थे Administrative expenses, वो सारे के सारे खर्चे other expenses में आ जाएंगे तो बेसिकली वही ट्रेडिंग एंड पी एल है वो आप क्लास इलेवन में बनाते थे ना वही है बस इसका पैटर्न थोड़ा सा ऐसा कर दिया गया है सारी इनकम एक जगह लिख दी सारे खर्चे एक जगह लिख दिए इन सबको अगर जोड़ोगे बाबू तो फोर्थ फोर्थ तो आ चुका है fifth. Fifth पे आपको मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपको यहां पे मिलेगा total expenses. मिल गया टोटल एक्सपेंसेस अब देखो मैंने आपको क्या बोला था मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए टोटल रेवेन्यू कितना मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए टोटल एक्सपेंस कितना हो गया मेरा काम सारे मैंने रेवेन्यूज लिख दिए सारे मैंने खर्चे लिख दिए इन खर्चों को प्लीज बच्चों आज लर्न करना लिख लिख के लर्न करना मुझे प्रॉमिस करना कमेंट्स में कि वी प्रॉमिस हम लिख लिख के लर्न कर लेंगे आज मुझे चाहिए सबसे वादा जब तक याद नहीं करोगे मजा नहीं आएगा लर्न करना है ये देखो फॉर्मेट है फॉर्मेट आपको लर्न करना ही पड़ेगा समझा दिया मैंने पूरा किसका मतलब क्या है लेकिन लर्न तो करना पड़ेगा ना बेटा तभी मजा आएगा तो प्लीज इसको लर्न करना टोटल रेवेन्यू आ गया टोटल एक्सपेंस आ गया जितना कमाया उसमें से खर्चे माइनस कर दू प्रॉफिट आ जाएगा नंबर सिक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा कैसे ये ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा टोटल रेवेन्यू दैट इज तीन नंबर माइनस टोटल एक्सपेंस दैट इज पाँच नंबर तीन माइनस पाँच कर दो तो आपके पास एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ठीक है सपोज सौ रुपये आ गया लेट सपोज सौ रुपये आ गया अब सरकार बोलेगी थर्टी परसेंट टैक्स है तो इस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा ना नंबर सेवन पे हम इसमें से माइनस करते हैं लेस करते हैं टैक्स जिस भी रेट से होगा जो भी रेट से होगा यहां से हम टैक्स माइनस करते तो हमारे पास नंबर आठ पे आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पी ए टी आपको मेनली निकालना होता है ये हमारा पी एंड एल का फॉर्मेट है बच्चों पूरा ये हमारा पी एंड एल का फॉर्मेट है पूरा देखो यहां पे मैंने करा क्या है मैं तुम्हें एक बार फिर से सारी चीजें बता देता हूं मैंने सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकाले सर टोटल रेवेन्यू कैसे निकले यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा सेल कितना होता है सेल वाला मेजर ये आ गया इसमें अदर इनकम्स जोड़ दी अदर इनकम कौन कौन सी हैं इंटरेस्ट कमीशन डेट्स रिकवर्ड कहीं से भी कोई इनकम आ रही है अदर इनकम वो सब इसमें जोड़ दी टोटल रेवेन्यू आ गया इसमें से खर्चे हटा दिए टोटल एक्सपेंसेस ये सारे मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं तो टोटल रेवेन्यू में से खर्चे हटाए खर्चे याद रखना ये लर्न करने हैं लाइन वाइज ऊपर नीचे भी नहीं करोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मटेरियल का खर्चा बना बनाया माल खरीदा उसका खर्चा इन्वेंट्री जो बचा रह गया उसका खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एम्प्लॉज पे करे गए खर्चे फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन बचे हुए खर्चे सब लिखने के बाद टोटल एक्सपेंस आया टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा दिया तो प्रॉफिट बन गया ये मेन चीज है फिर सरकार आ गई टैक्स लेने सरकार को टैक्स दे दिया बचा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ठीक है 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 एक बार तुम्हें अदर अदर में दिखा दू, क्या क्या आता है? बाकी ऑल डन इसका तो ले ही लो अभी के अभी के एक्सपेंस की पूरी लिस्ट होती है देखो क्या क्या हो जाता है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों सही है कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बाद में देखेंगे बस अब हमें फॉर्मेट दिखा दो और हमारा काम डन है सर हमें समझ में आ गया बढ़िया तरीके से क्लियर समझा दिया आपने सारा देखो कहा है फॉर्मेट 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 मेट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसिपेंसिट आए प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स हटाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये चीज का आपको ध्यान रखना है आई होप मेरा बच्चा आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको समझ में आ गया कल बैलेंस शीट करने में मजा तभी आएगा जब आज आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एल आता होगा तो प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट हाथ जुड़वा लो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना नंबर तुम्हारे ही आएंगे मेरे नहीं आएंगे प्लीज मेहनत करना बच्चों खूब मेहनत करनी है लर्न कर लेना इसको कल बैलेंस शीट करेंगे किताब को आगे बढ़ाएंगे थैंक यू सो मच एवरीवान